Hello everyone, welcome back to our channel. This is me, Iman, and Mohsam. And you are watching News and Updates. तो आज हम देखने जा रहे हैं एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है लड्डू और एक मतलब शॉर्ट फिल्म है रॉयल स्टैग की। आई थिंक इनकी पहले भी हम लोगों ने एक शॉर्ट फिल्म पर मुझे याद आ रहा थोड़ा थोड़ा कि हम लोगों ने देखी है इनकी एक और शॉर्ट फिल्म। हाँ अभी मुझे इसका टाइटल नहीं याद लेकिन मुझे ये याद है कि हम लोगों ने किया है। शायद देखी हो। और ये हमें किसने सजेस्ट किया बताएं बताएं आप। और ये वैसे सजेस्ट नहीं की गई, ये मुझे जो है इनके वैसे तो कमेंट्स में बहुत लोगों ने बोला था इसे ईश्वर अल्लाह के नाम से, लेकिन ये स्पेशली मुझे किसी ने इनबॉक्स की थी और उन्होंने कहा था ये आप देखें और मुझे इस पे रिव्यू पास करें। हाँ तो जिन्होंने की थी उनका नाम भी तो होगा ना? उनका नाम था रोहित। हाँ जी तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे रिस्पेक्ट सारे हैं व्हाट्स द वीडियो। बोर नहीं होते। तुम सुनना शुरू कर दो, मैं रिपीट करना बंद कर दूंगी। शांता भाई तो सुनती थी फिर भी आप बार बार रिपीट करते थे, इसलिए वो काम छोड़कर चले गए। तुम अभी ये नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि हर काम का एक टाइम होता है। भूख और पोटी का कोई टाइम नहीं होता। दो ना प्लीज। आज दादाजी की बरसी है। बरसी मतलब? बरसी मतलब आज ही के दिन दादाजी भगवान जी के पास चले गए और इसीलिए हर साल आज ही के दिन हम पंडित जी को खाना खिलाते हैं ताकि दादाजी को वो खाना मिले और वो हमें आशीर्वाद दे सके। दादाजी स्विगी से खाना क्यों नहीं मंगाते? क्योंकि वो अपना फोन यहीं पे भूल गए। तो आप दादाजी का फोन उनको कुरियर क्यों नहीं कर देते? क्योंकि जहाँ दादाजी है ना वहाँ कुरियर जाता ही नहीं है। तो क्या पंडित जी दादाजी के स्विगी सर्विस है? ऐसे ही समझ लो। तो हम पंडित जी को रोज खाना क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि भगवान जी के घर बहुत सारे लोग हैं ना, अब अगर पंडित जी सिर्फ हमारे दादाजी के लिए खाना खाएंगे तो फिर दूसरों के दादाजी क्या खाएंगे? लेकिन फिर मेरे दादाजी तो बाकी के दिन भूखे रह जाएंगे ना। तुम जवाब सुनते भी हो या उसमें सवाल ढूंढते हो? चलो चलो ये टिफिन लो और वॉचमैन के साथ मंदिर जाओ और पंडित जी को खाना खिला के वापस आ जाओ, ठीक है? लेकिन अभी तो मेरा फेवरेट शो आने वाला है। बेटा प्लीज देखो पापा सिंगापुर गए और मुझे भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। तुम्हारे लिए आलू पूरी बनाइए, जल्दी जाओ और वापस आ जाओ। लेकिन दादाजी तो आलू पूरी खाते ही नहीं थे, उन्हें तो बटर चिकन पसंद था, तो तुमने बटर चिकन क्यों नहीं बनाया? मंदिर में पंडित जी आलू पूरी खाएंगे लेकिन वहाँ भगवान जी के पास दादाजी को बटर चिकन मिल जाएगा। ओह मैजिक मैजिक, आलू पूरी बटर चिकन बन जाएगा? हाँ मुझे तो जरूर देखना है। एक मिनट, ये है 101 रुपए, पंडित जी को दे देना। पंडित जी को खाना खाने के पैसे मिलते हैं? ये दक्षिणा है, खुशी खुशी दे रहे हैं हम। मुझे खाना खाने की दक्षिणा क्यों नहीं मिलती? टिकू लड्डू चाहिए या नहीं? हाँ। तो फिर जल्दी जाओ पंडित जी को खाना खिला के वापस आओ। ओके गो, रेडी फॉर द मिशन। अरे बाप रे। वॉचमैन अंकल, वॉचमैन अंकल, वॉचमैन अंकल, पंडित जी
اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام پہ دے دے بابا, اللہ کے نام پہ دے دے. بہت بھوکا ہوں میں, دو دن سے کچھ کھایا نہیں ہوں. بچہ اللہ کے نام پہ دے دے کچھ. اس میں کیا ہے؟ کھانا. کھانا؟ دو دن سے کچھ کھایا نہیں ہوں, دے دے بیٹا. میرے دادا جی نے ایک سال سے کچھ نہیں کھایا. ایک آئیڈیا دوں؟ آپ پنڈت بن جاؤ, لوگ آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے اور دکشنا بھی دیں گے, پھر آپ کو بھیک نہیں مانگنی پڑے گی. آئیڈیا نہیں, کھانا چاہیے کھانا. ویسے ادھر کوئی دوسرا مندر ہے؟ مندر ادھر ہے اور مسجد ادھر, لیکن مندر تو بند ہے. بھگوان کے نام پہ دے دے کچھ, بھگوان کے نام پہ دے دے, بھگوان کے نام پہ دے دے کچھ. پنڈت جی ہو نا؟ نہیں بیٹا, میں پنڈت نہیں ہوں. لگتا ہے آپ غلط جگہ آ گئے ہو. یہ غلط جگہ ہے؟ نہیں, جگہ تو صحیح ہے, آپ غلطی سے آ گئے ہو. مندر اگلی والی گلی میں ہے. یہ کیا ہے پھر؟ یہ مسجد ہے, اللہ کا دربار ہے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ جیسے مندر میں آپ بھگوان کی پوجا کرتے ہو, ویسے ہی مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آپ کون ہو؟ میں یہاں کا مولوی ہوں. مولوی مطلب؟ جیسے مندر میں پنڈت ہوتے ہیں ویسے مسجد میں مولوی ہوتے ہیں. تو آپ دونوں سیم ہو؟ ہاں, مطلب ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں. آج میرے دادا جی کی برسی ہے, آپ پلیز یہ کھانا کھا لیجیے. میں کیوں؟ کیونکہ آپ مسجد کے پنڈت ہو نا. نہیں بیٹا, یہ کھانا میرے لیے نہیں ہے. پتا ہے, یہ کھانا دادا جی کے لیے. آپ یہ کھانا ادھر کھاؤ گے, انہیں وہاں بٹر چکن ملے گا. انہوں نے ایک سال سے کچھ نہیں کھایا, آپ پلیز یہ کھانا کھا لیجیے. بیٹا تم مندر کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں گیا تھا, میں نے بہت ڈھونڈا, وہاں کوئی بھی نہیں تھا. بیٹا جو کام پنڈت کر سکتا ہے وہ مولوی نہیں کر سکتا. ابھی آپ ہی نے تو کہا کہ آپ دونوں سیم ہو. کھانا ہی تو کھانا ہے, اس میں لڈو بھی ہے. ارے اب آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہو, پنڈت اور مولوی سیم ہو کے بھی الگ ہیں. آپ اللہ کے نام پہ کھا سکتے ہیں. فرض کرو میں نے کھا لیا, پھر بھی تمہارے دادا جی کو نہیں ملا تو؟ آپ کیا پنڈت جی سے کم پاور فل ہو؟ تمہارا کام مندر میں ہی ہو سکتا, یہاں نہیں. کیوں, مندر اور مسجد میں کیا فرق ہے؟ تم کس بھگوان کو مانتے ہو؟ شیو جی. تو شیو جی کی پوجا کرنے کے لیے ہنومان مندر جاتے ہو کیا؟ نہیں نا, یہی فرق بھگوان اور اللہ میں ہے. لیکن ممی کہتی ہے کہ سارے بھگوان سیم ہیں. ویسے اللہ کتنے ہیں؟ اللہ تو ایک ہی ہے بیٹا. تو آپ اتنے شور کیسے ہو کہ بھگوان اور اللہ سیم نہیں ہے؟ جیسے میرا نام راہل ہے, ممی میرے کو ٹکو بلاتی ہے, پاپا میرے کو راکی بلاتے ہیں, میرے دوست میرے کو راہو بلاتے ہیں, لیکن وہ تو میں ایک ہی راہل. ویسے ہی شیو جی, اللہ, ہنومان سب سیم ہی ہیں. لیکن یہاں صرف اللہ ملتے ہیں. اللہ سے مسجد میں ہی ملتے ہیں؟ نہیں, اللہ تو سارے جہان میں ملتے ہیں. اس سڑک پہ؟ ہاں. مال میں؟ ہاں. سبزی بازار میں؟ ہاں. مندر میں بھی؟ ہاں بھیا. تو پھر مسجد میں بھگوان کیوں نہیں مل سکتے؟ ویسے اگر میں اللہ سے کچھ مانگنا چاہوں, کیا وہ میری بات سنیں گے؟ بالکل بالکل سنیں گے. تو اگر اللہ میری بات سننے کو تیار ہے تو آپ کیوں نہیں سن رہے؟ ایشور اللہ تیرو نا. کون سا لڈو ہے؟ میرے دادا جی بھی ہمیشہ لڈو سے ہی شروع کرتے تھے. سب کو سلامت
दक्षिणा। नहीं बेटा, ये किसी गरीब को दे देना। ओके बाय। उम्र जहनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई, वो सच्चाई जो भोली आंखों में दिखाई। मैं 15-20 मिनट लेट हो जाऊंगी, तुम पेशेंट को सलाइन चढ़ा दो, मैं अभी आती हूँ। ओके पंडित जी ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहुल तुम कहाँ गए थे? दादाजी को खाना खिलाने। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन समटाइम्स इस तरह होता है जिंदगी में आपकी, यानी कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन आप वो चीजें नहीं सीख पाते जो बच्चे जो हैं वो बोल जाते हैं एक पल में। आप हाँ। सीख जाते हो, आपकी सारी जिंदगी लग जाती है उन चीजों को समझने में, लेकिन आप कभी वो कहते हैं ना किसी नादान की बात से ही आप बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। जैसे वो कहते हैं ना अकलमंद के लिए इशारा काफी है, नहीं फिर नादान दोस्त से बेहतर अकलमंद दुश्मन है, ये भी एक कहावत है। हाँ, जी, बात है। तो एनीवे अगर मैं इस वीडियो की बात करूं, मैसेज बहुत अच्छा है और स्पेशली इस खित्ते के लिए, यानी जहाँ पे हम रह रहे हैं यहाँ पे इन चीजों को लेके बहुत कुछ हो जाता है। एग्जैक्टली, मुझे कभी भी समझ नहीं आता कि लाइक हम लोग इतनी आगे चले गए हुए हैं 21st century में हम लोग, लेकिन अभी भी अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो हम वहीं पे हैं। हाँ, नहीं हम नहीं वहीं पर, मतलब मैं ये बोलती हूँ कि इन चीजों को लेकर ना, इन चीजों को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा यू नो हो जाते हैं, उबाल मारते हैं। मतलब सही जो यानी कि हम लोग चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और उसकी रीजन ये होती है कि हम लोग जो शुरू से देखते और सुनते हैं ना हम उसी को फॉलो करते हैं, और हम लोग अपने जहन से कुछ चीजों को सोचते हैं। और अगर बात की जाए ना, अगर सोसाइटी की बात की जाए, सारे लोग इस तरह के नहीं होते, बहुत लोग जो है इस चीज को समझते हैं। अप्रोक्सीमेटली 100% में से 1% से लेकर 3% तक ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज को इतनी एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं ना कि अगला बंदा जो पास हमारे जैसा सुनने वाला बैठा हो वो तो वैसे उठ के चला जाता है। लेकिन ये कि जैसे अगर हम इस शॉर्ट फिल्म की बात करें, जो मैसेज दिया हुआ है कि लाइक मानते सब एक को ही है, लेकिन ये है कि हर किसी के मानने का तरीका डिफरेंट है। अगर मुस्लिम हैं वो अल्लाह ताला को मानते हैं, क्रिश्चियंस हैं वो भी अल्लाह ताला को मानते हैं, लेकिन आगे उनका तरीका डिफरेंट हो जाता है। अगर हिंदू हैं वो और तरह से मानते हैं, और कौन जैन होते हैं, हाँ। जैन वो अलग तरीके से मानते हैं, हर बंदे का अपना तरीका है। लेकिन मेरी यहाँ पर सिर्फ एक ही गुजारिश है सब लोगों से, जो चीज मुझे नहीं समझ में आता कि लोग समझते क्यों नहीं है, कि हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने नजरियात हैं, आइडियोलॉजी। एग्जैक्टली, लोगों को नहीं ना पता होगा नजरिया। हाँ, आइडियोलॉजी सबकी अपनी अपनी है, लेकिन हमें ये नहीं कह देना चाहिए कि आप गलत हो हम ठीक हैं। हाँ, अगर कोई बहुत अच्छा है जो आपको लगता है कि मतलब आपका बहुत करीबी है, आप उससे डिस्कस जरूर करो, बट फोर्स मत करो। मोस्टली हमारा जो खिता है ना यहाँ पे, अगर रिलीजन की बात करें तो उस पे लोग मरने मराने को तैयार हो जाते हैं, तो मोस्टली इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि मैं ये सोचती हूँ कि हर मजहब की, अगर हम किसी भी मजहब को उठाकर देख लें, हर मजहब में पीस, ह्यूमैनिटी फर्स्ट इन चीजों का जिक्र किया गया है, और
मतलब कि आप ना किसी को छेड़ो ना मतलब किसी को तंग करो, किसी के मजहब पर क्रिटिसाइज मत करो, ये सब चीजें. पर पता नहीं हम लोग समझते क्यों नहीं है. पर छोटे से बच्चे ने हमें ये सिखा दिया है, उसने हमें ये समझ दिया है कि इस तरह की कोई चीजें नहीं होनी चाहिए. और वो छोटा बच्चा जो था बहुत चुलबुला बहुत फनी किस्म का कैरेक्टर डाला हुआ था. और जाते जाते वो रस्ते में जो फकीर जो है उसको भी कुछ कर गया था. इनके एक छोटे सी डॉक्यूमेंट्री में, एक छोटे से मोमेंट में वो उसने कितने लोगों को खुश कर दिया है. हाँ, वैसे मजे की बात ये है, ये मैं भी रियलिटी बताऊंगी, ऐसे बच्चे जो थे शॉर्ट फिल्म्स में ही अच्छे लगते हैं. अगर रियल में ना तो लोग क्या मेरा सर खा रहे हो. सही बात है, ऐसे ही है. अगर रियल में हो ना यार जाओ यार ना मेरा सर खाओ. मतलब यूजली हम बच्चों को ऐसे ही मोस्टली ट्रीट किया जाता है. अगर कुछ कोई ज्यादा क्वेश्चंस करे ना, सर ना खाओ जाओ यहाँ से मेरा, तो ज्यादातर ऐसे बच्चों को ना अवॉइड भी किया जाता है कि अगर इससे की बात की ना, ये क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालेगा, फिर आंसर में से भी क्वेश्चन निकालेगा और फिर हमारा सर खाएगा, इसे अच्छे से बुलाओ ही ना. और मेरा हाल में बहुत सारे हमारे व्यूवर्स भी इस चीज पर अग्री करते हैं जो शॉर्ट फिल्म में मैसेज दिया हुआ है. और पता नहीं हम सब कुछ देखते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग उस पर अमल क्यों नहीं करते, ये मुझे नहीं समझ में आता. बाकी सारी चीजें तो चलो ठीक है, हम बस कहीं ना कहीं शैतान ने भी तो अपना रोल अदा करना है ना. वो तो हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है, जितना मर्जी आप रोक लो वो नहीं सकता. बिल्कुल. एनीवे, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, हमें भी बहुत अच्छा लगा. और इसी के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी यहाँ पर हमारे उन फ्रेंड्स का जिन्होंने हमें होली की पिक्चर्स भेज दी है. और बाकी के जिन लोगों ने हमें नहीं भेजी, प्लीज हमें जरूर ई मेल करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को और हमारे ट्विटर पेज को लाइक करें, फॉलो करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, माय वीडियोस को करें लाइक, माय वीडियोस को करें शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स. टिल देन गुड बाय.